नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग का क्रोशेट श्वेता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही प्यारा थाल पोस्ट डिजाइन लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और बनाने में भी आसान है, इसे बिगनर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से नोट लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन लेंगे और पहला वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन ले लेंगे और इस रिंग में डालते हुए पफ बनाएंगे। वन चेन लेंगे, रिंग में डालते हुए एक पफ और बना लेंगे। फोर टाइप, वन चेन, यह 3 पफ बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। टोटल इसमें 12 पफ बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 पफ बनकर तैयार हुआ है। 1 चेन लेते हुए और पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट इस गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहीं पर पफ बनाएंगे। वन चेन लेंगे और सेम इसी गैप में एक पफ और बना देंगे। वन चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में वन चेन, टू पॉप। वन चेन लेते हुए नेक्स्ट गैप में इसी तरह से फ्रेंड्स हर गैप में 2-2 पफ बनाते हुए 1 चेन लेते हुए कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 1 चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पर 1 पफ बना देंगे। वन चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में 1 पफ। वन चेन, नेक्स्ट गैप में 1 पफ। वन चेन, नेक्स्ट गैप में 1 पफ। वन चेन, नेक्स्ट गैप में 1 पफ। इसी तरह से फ्रेंड्स इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 1 चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से जाएंगे और यहीं पर पफ बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 1, 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट गैप में 1 पफ। वन टू चेन लेंगे,
नेक्स्ट गैप में वन पफ। टू चेन, नेक्स्ट गैप में वन पफ। इसी तरह से फ्रेंड्स इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर वन टू चेन लेकर के पहला वाला पफ में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से जाएंगे, आईसी में पफ बनाएंगे। वन चेन लेंगे, सेम गैप में एक पफ और बना देंगे। वन चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में वन पफ, वन चेन, वन चेन, सेम गैप में टू पफ। वन चेन, नेक्स्ट गैप में वन पफ। वन चेन लेते हुए नेक्स्ट गैप में टू पफ। इसी तरह से फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट करेंगे। टू पफ, वन पफ, टू पफ, वन पफ, इस गैप में टू पफ बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। यहां तक आपको बनाना बताया था फ्रेंड्स। यहां पर वन गैप में टू पफ, वन गैप में वन पफ। नेक्स्ट राउंड में हर गैप में वन वन पफ बनाते हुए टू चेन लेते हुए कंप्लीट किए हैं। ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 लाइन। यहाँ पर टू चेन लेते हुए पहला वाला पफ में ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट इस गैप में सिंगल क्रोशे से जाएंगे, यहीं पर पफ बनाएंगे। वन चेन लेंगे और सेम इसी गैप में वन पफ बना देंगे। वन चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में वन पफ, वन चेन, नेक्स्ट गैप में वन चेन, नेक्स्ट गैप में टू पफ, वन चेन, वन चेन, नेक्स्ट गैप में टू पफ। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स उतना बड़ा इसे बनाइए और हर राउंड में एक राउंड या टू पफ, वन पफ, टू पफ, वन पफ करके बनाइए और नेक्स्ट राउंड में हर गैप में वन वन पफ टू चेन लेते हुए बनाइए। इसी तरह से पूरे राउंड को कम्प्लीट कीजिएगा फ्रेंड्स और जितना बड़ा बनाना चाहें बनाइए।
तो हम इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड हम बना के तैयार किए फ्रेंड्स। आप अपने अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिए हैं यहाँ पर, टू चेन लेकर के और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, थ्री डबल क्रोशिया हो गया, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन लेंगे और पहला वाला पप छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाला पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर यहाँ वन चेन लेंगे और पहला वाला पप को स्किप करके सेकेंड वाला पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर टू थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन लेंगे और पहला वाला पफ को स्किप करके सेकेंड वाला पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से वन चेन लेंगे और पहला वाला पफ स्किप करके सेकेंड वाला पर थ्री डबल क्रोशिया टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे रो को कंप्लीट करेंगे, करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक एक पफ स्किप करके जो बना रहे थे तो उसमें टाइट होने लगा था, तो हर पफ में इस तरह से एक भी पफ को स्किप नहीं किया, इसमें नेक्स्ट पफ में सिंगल क्रोशिया बना दिए, वन चेन लेकर के और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे पहला वाला चेन में, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और टू चेन के गैप में आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर वन टू चेन ले लेंगे और सेम गैप में टू डबल क्रोशिया बना देंगे, टोटल थ्री डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो इसके बीच में इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे, वन चेन लेंगे और टू चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट इस सिंगल क्रोशिया में डालते इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, वन चेन लेंगे और टू चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन लेंगे और इसमें इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन के यह पैटर्न तैयार होगा। इसी तरह से एक लाइन और बना करके दिखाते हैं, टोटल यह थ्री लाइन सेम तरह से बनेगा फ्रेंड्स, तो बना करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेम प्रोसेस है, यह थ्री राउंड बनाए थे
यहाँ तक आपको बना करके दिखाए थे, फ्रेंड्स 6 रंग हम खुद बना के दिखाए थे। इसके बाद लास्ट राउंड में यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 1 चेन लेकर के सेम प्रोसेस से इसमें बैक लूप से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे और इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 चेन लेंगे और यहाँ पर क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे और ये पहला वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इस तरह से यह तैयार हो गया। कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। अभी से ही इस तरह से कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, यह 5 लाइन हो गया। तो यहाँ से ज्वाइंट करेंगे इस क्रोशिया को, यहाँ सिंगल क्रोशिया से 1 चेन ले लेंगे और नेक्स्ट इस पफ के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। टू चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया सेम गैप में बना देंगे, 2, 3। 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट इस पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट पफ के ऊपर डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। 2 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और नेक्स्ट पफ के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन। इसी तरह से फ्रेंड्स इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे, करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर 1 चेन लेकर के जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए स्लिप स्टिच के साथ इसके बीच में आएंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे सेम इसी में 2 डबल क्रोशिया, टोटल है 3 डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे और इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे इस बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और इस तरह से डालते हुए क्रोशिया को सिंगल क्रोशिया। फ्रेंड्स
इसी तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे और एक रो और बना करके इसमें दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ यह 1, 2 या 3 लाइन बनाए हैं। अब इसको 1 चेन लेकर के और इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन चेन लेकर के ये थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट यहां से इसमें ज्वाइंट करेंगे। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किए, 1 चेन लेंगे और ये जो चेन है सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। वन चेन, वन चेन, वन चेन, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया और यहाँ भी 1 सिंगल क्रोशिया, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 चेन लेते हुए नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए पूरे रो में इसको बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर सेम पैटर्न से व्हाइट कलर से इसमें बनाएंगे, तो ये भी बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह रो भी कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से इसमें व्हाइट कलर से बनाया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए फ्रेंड्स अब चेन बनाएंगे। कलर ले इस कलर में। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से लंबा चेन बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह से यह लंबा 60 चेन बना करके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद इस तरह से 1, 2, 3, 4 या 5 वाला चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। पहले एक बार इस तरह से निकालेंगे, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर आप 1, 2, 3 चेन लेंगे और सेम चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कुछ इस तरह का बना। इसके बाद 1, 2 चेन लेंगे और 1, 2, 3 चेन को स्किप करेंगे, फोर्थ वाला चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे और सेम चेन में डालते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन लेंगे और 1, 2, 3 फोर्थ वाला चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन लेंगे, सेम चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब इसके बाद 1, 2, 3
थ्री चेन लेंगे, इस तरह से पलट देंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट करते हुए थ्री डबल क्रोशिया हो गया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट। नेक्स्ट इस टू चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, यहीं से फंदा लेंगे और इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। नेक्स्ट टू चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाइट कलर से। ये जो डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया चेन है, उस वहीं से सिंगल क्रोशिया से इसमें ज्वाइंट करेंगे। वन चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, वन चेन नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, वन चेन लेंगे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, वन चेन नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, वन चेन और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। और यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बिना चेन लिए हुए, अब यहाँ पर चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, वन चेन 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 लेते हुए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, वन चेन लेते हुए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, वन चेन एंड नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ कोई भी चेन नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ से डालते हुए इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया, यहाँ भी चेन नहीं लेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। फ्रेंड्स इस तरह से यह पैटर्न बना, पूरे में बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह रो कंप्लीट हो गया। अब इसको इस तरह से बनाते हुए या तो आप इसे फेविकोल से चिपका सकती हैं, नहीं तो इसे सुई की मदद से सिलाई कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे बीच में इस तरह से इसको लगा देंगे। फ्रेंड्स अगर ये डिज़ाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा।
थैंक यू।